हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विस्तृति एजुकेशन पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन क्वेश्चंस की एक ऐसी सीरीज़ जो आपके आने वाले सारे एग्जाम्स में काफ़ी मददगार रहेगी। इन सारे क्वेश्चंस में मोस्टली प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हैं उनमें से क्वेश्चंस लिए गए हैं। और जैसा कि हम सबको पता ही है, RSMSSB बोर्ड हो या RPSC हो, वो अपने पेपर में 60% प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को वापस रिपीट करती है। इसलिए इन सभी क्वेश्चंस पर हमारी पकड़ होना और इनकी लगातार प्रैक्टिस होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लेन का पूर्ण रूप है, यहाँ फुल फॉर्म पूछी गई है, लेन की फुल फॉर्म क्या है? तो लेन की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। लेन की ही तरह होता है एक मेन, यहाँ मेन की फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसी तरह से एक होता है वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ लेन की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर कहा जाता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल ऑपरेटिंग यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है MS-DOS, सबसे अच्छा एग्जांपल है MS-DOS जो है वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसी तरह से मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स विंडोज वगैरह ये सब मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका राइट आंसर है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर में चित्र का एक्सटेंशन नहीं है, इमेज का एक्सटेंशन इन चारों में से कौन सा नहीं है? तो इसमें जो JPEG है इसकी फुल फॉर्म है JPEG, इमेज फाइल। PNG की फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, इस एक्सटेंशन फाइल का पूरा नाम है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। यहाँ MDB का मतलब है, .MDB का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस। तो ये एक्सेस डेटाबेस से रिलेटेड है, ये इमेज से रिलेटेड नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। यहाँ GIF की बात करें तो ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट फाइल है। तो यहाँ जो इमेज से रिलेटेड एक्सटेंशन नहीं है वो है MDB, थर्ड ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला वेब ब्राउजर था मोज़ेक, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निबल कितने बीट के बराबर होता है? इसमें जो निबल बीट, इसकी एक पूरी सीरीज होती है, जैसे एक बीट में 4 निबल होते हैं, उसी तरह से एक बाइट में 8 बीट होते हैं। वहीं पर आगे इसी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। तो एक किलोबाइट के अंदर 1024 बाइट होते हैं, और बाइट से बड़ा क्या होगा? तो बाइट से बड़ा MB, मेगाबाइट, मेगाबाइट से बड़ा एक गीगाबाइट जिसे GB बोलते हैं, गीगाबाइट से बड़ा टेराबाइट से बड़ा पेटाबाइट से बड़ा एक्साबाइट, फिर जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट एक्सेट्रा, ऐसे सीरीज चलती रही। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि सबसे छोटा होता है निब्बल, फिर आता है बाइट, फिर आता है बिट, फिर आता है बाइट, फिर आता है किलोबाइट, उसके बाद आता है मेगाबाइट। यहाँ एक मेगाबाइट के अंदर कितने किलोबाइट्स होते, तो 1024। फिर उसके बाद आता है गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट। नेक्स्ट, असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलने वाले ट्रांसलेटर को कहते हैं। तो असेंबली
लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने वाले जो ट्रांसलेटर होता है उसे असेंबलर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। यहाँ कंपाइलर और जो इंटरप्रेटर होता है ये दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं। कंपाइलर जो होता है वो जितने भी कमांड्स होते हैं उनको एक ही बार में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, और इंटरप्रेटर जो होता है वो सारे निर्देशों को या कमांड्स को एक एक करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो कुछ खास इनमें डिफरेंस है नहीं, बस यही है कि ये एक ही साथ में निर्देशों को मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है और ये एक एक करके करता है, और ये दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज से रिलेटेड है। यहाँ असेंबली लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन भाषा में बदलने वाला ट्रांसलेटर क्या कहलाता है, तो यहाँ राइट आंसर होगा असेंबलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा ट्रांसमिशन की गति को मापने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली इकाई है, तो ये इकाई है बिट्स पर सेकंड, बिट्स पर सेकंड BPS जिसकी शॉर्टकट है, तो ये राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुपवेयर है, ग्रुपवेयर क्या है, तो ये एक सॉफ्टवेयर है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, सॉफ्टवेयर है ग्रुपवेयर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वापस क्वेश्चन आ गया, 1024 बाइट के बराबर है, तो किसके बराबर है 1024 बाइट, 1 KB के बराबर है, किलो बाइट के, और 1 MB किसके बराबर है, तो 1024 किलो बाइट के, 1 GB किसके बराबर है, तो 1 GB बराबर है 1024 मेगाबाइट के, 24 MB के, और 1 TB किसके बराबर है 1024 GB के, 1024 GB के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडेम का पूरा नाम है, ये बहुत बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इसकी फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नव युवक में कौन सा समास है, अब ये हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो यहाँ नव युवक का पहले तो समास विग्रह क्या होगा, नव है जो युवक, नव है जो युवक, और हे जो है जो किस में आता है, तो वो कर्मधारय समास में आता है, यहाँ तुलना की जाती है किसी से, यहाँ उपमा उपमेय का कॉन्सेप्ट चलता है, तो इसका राइट आंसर होगा कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द कौन सा है, नीरस सही है, एकत्र भी सही है, मंत्रिमंडल, यहाँ मंत्रिमंडल जो है वो गलत है, मंत्रिमंडल का शुद्ध रूप है मंत्री, त्री पे छोटी की मात्रा, और मंडल ये इसका शुद्ध रूप है, तो ये रॉन्ग होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। मंत्रिमंडल में ई की मात्रा छोटी इसलिए आती है क्योंकि मंत्रिमंडल में बहुत सारे मंत्री मिलकर मंडल बनता है, मंत्रिमंडल बनता है, तो एक मंत्री से तो मंत्रिमंडल बनेगा नहीं, तो यहाँ बहुवचन है और बहुवचन में मात्रा अधिकतर छोटी हो जाती है, और केवल हम मंत्री लिखेंगे तो उसका शुद्ध रूप ये होगा क्योंकि यहाँ एक मंत्री की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, लिप्सा, कामना और स्पृहा, ये तीनों ही इच्छा के पर्यायवाची शब्द, यहाँ साफ पता चल रहा है यातना इच्छा का पर्यायवाची नहीं होगा, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है, कवि का जो स्त्रीलिंग रूप है वो है कवयित्री, तो कवयित्री ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, इसको ऐसे ही लिखेंगे कवयित्री, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको कवयित्री भी कर देते हैं, तो वो रॉन्ग होगा, राइट यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिश में प्रयुक्त संधि का नाम है, कपिश में जो संधि है वो है दीर्घ संधि, कैसे होगी, तो पहले हम संधि विच्छेद करेंगे इसका, कपि मतलब बंदर, धन ईश, कपियों के ईश है जो, तो ये इसका सही संधि विच्छेद है, और इसमें छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बन जाएगी, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन्मति का सही संधि विच्छेद है, तो इसका सही संधि विच्छेद है संधनमति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है, तो जंगल में लगने वाली आग के लिए प्रयोग में किया जाता है दावानल या दावाग्नि, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। यहाँ जठरानल का मतलब होता है जठर, मतलब पेट में चलने वाली आग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हे का विलोम शब्द है, यहाँ हे का विलोम शब्द पूछा गया है, तो यहाँ राइट आंसर होगा ग्राह्य ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय का पर्यायवाची शब्द है,
अमी का पर्यायवाची शब्द है सुधा, अमी किसका पर्यायवाची है तो अमृत का पर्यायवाची शब्द है, अमृत, सोम, सुधा, पीयूष, अमी, अमीय, सुरभोग, देवभोग, ये सभी अमृत के पर्यायवाची, तो यहाँ इसका जो पर्यायवाची होगा वो है सुधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरुण का विपरीतार्थ शब्द है, तो तरुण का विपरीतार्थ शब्द है वृद्ध, वृद्ध ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट, बाबू महाराज का मेला किस जिले में लगता है, बाबू महाराज का मेला जो लगता है वो लगता है धौलपुर जिले में। नेक्स्ट, अलवर महोत्सव का आयोजन किस माह में होता है, अलवर महोत्सव जो है वो फरवरी माह में मनाया जाता है। इन महोत्सव के महीनों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मरु महोत्सव कब मनाया जाता है, तो इन्हें थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब भरता है, कपिल मुनि का मेला कोलायत, तो कोलायत का है बीकानेर में, कोलायत झील बीकानेर, और ये भरता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलमा सितारो गोटा किनारी का काम किस स्थान पर होता है, ये सभी ओढ़नियों से रिलेटेड है कि ओढ़नियों पर किनारी, गोटा, सितारा, सलमा, ये सब उन पर किए जाने वाले काम को कहा जाता है, या उनकी जो किनारी वगैरह लगाई जाती है उसको कहा जाता है, किस स्थान पर होता है, तो ये खंडेला, खंडेला कहाँ है तो सीकर में है, खंडेला गांव, सीकर, गणेश्वर सभ्यता, तो यहाँ लप्पा लप्पी, किरण बाकड़ी, किनारी, गोटा, इन सभी का काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्लिया नामक आभूषण पहना जाता है, ये प्रीवियस ईयर के पेपर का ही क्वेश्चन है, और बल्लिया जो आभूषण है वो पहना जाता है हाथों में, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलाक आभूषण कहाँ पहना जाता है, बुलाक आभूषण ये सेकंड क्वेश्चन हो गया है आभूषण का, और ये पहना जाता है नाक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्यु भोज को क्या कहा जाता है, मृत्यु भोज को मोसर, नुक्ता, जोसर, गंगा जली, ये सभी कहा जाता है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जोसर जो है वो व्यक्ति, जीवित व्यक्ति पहले ही अपना मृत्यु भोज दे देता है, तो उसे कहते हैं जोसर। वैसे ये मृत्यु भोज सब इन सभी से रिलेटेड है, तो ये आंसर होगा यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ार का भोजन निम्न में से किस मौके पर किया जाता है, बढ़ार जो है वो विवाह का, विवाह पर दिया जाने वाला भोजन है, तो इसे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 विवाह का भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस कहाँ स्थापित किया गया है, कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस की स्थापना की गई है जयपुर में, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आदिवासियों का गांधी या भागड़ का गांधी कहा जाता है, इसका जो राइट आंसर है वो है भोगीलाल पांड्या, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर, क्यों, क्योंकि डूंगरपुर प्रजामंडल भी इन्हीं की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे देवता और बड़े देवता की छतरी कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणकपुर का जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, इसका राइट आंसर है मथाई नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। और वैसे ऑप्शन को देखकर भी हम आंसर लगा सकते हैं, माही नदी जो है वो दक्षिण में है, पास है, और बाणगंगा, बाणगंगा जयपुर ढूंढार क्षेत्र के आसपास। उदयपुर के शासक, उदयपुर के किस शासक ने राजमहल में चितेरों की ओवरी नामक कला विद्यालय की स्थापना की थी, तो इसका राइट आंसर है जगत सिंह प्रथम ने की थी, इन्हें मेवाड़ चित्रकला शैली का जनक भी कहा जाता है, तो इसलिए इसे यहाँ पर चित्तौड़ों की जो ओवरी है उनकी स्थापना भी जगत सिंह प्रथम ने की थी, तो यहाँ राइट आंसर है जगत सिंह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजरों की आराध्य देवी रक्तदंती माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो रक्तदंती माता का मंदिर कहाँ है, संथूर में, और संथूर कहाँ है तो बूंदी में, संथूर बूंदी में रक्तदंती माता का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग को अणखलो और कुमटागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, इसका राइट आंसर है सिवाना दुर्ग को कहा जाता है, सिवाना दुर्ग हल्देश्वर की पहाड़ियों पर स्थित है, और यहाँ वीर नारायण पवार ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, और जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था जालौर दुर्ग पर, आक्रमण करने से पहले सिवाना दुर्ग पर आक्रमण हुआ था, और उस समय यहाँ का शासक था शीतलदेव चौहान, इन्हें सिवाना शाखा, चौहान वंश की जो सिवाना शाखा है उसका संस्थापक माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संत बाबूजी के शिष्य मुख्यतः हैं? तो संत बाबूजी के शिष्य जो हैं वो है रेबारी। रेबारी जाति के जो लोग हैं वो बाबूजी के अनुयायी हैं, और बाबूजी को ही राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है। ऊँट लाने का श्रेय बाबूजी की जो फल है वो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फल है, और यहाँ बाबूजी को लक्ष्मण जी का अवतार भी माना जाता है, लक्ष्मण अवतार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामा धनाया छज्जू और सेफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? अलवर चित्र शैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर, अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरहड़ के पीर शक्कर पीर बाबा को कहा जाता है, इन्हें मेवात का धनी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर, मेवात का धनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिमणिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तिमणिया मोस्टली सबको पता ही है कि गले में पहना जाने वाला आभूषण है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की आदिवासी महिलाओं में कटकी वस्त्र कौन पहनता है? ये जो कटकी वस्त्र है इसे पहनती है अविवाहित लड़कियाँ। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोहरा समाज का उर्स कहाँ भरता है? तो बोहरा समाज का उर्स भरता है गलियाकोट, और गलियाकोट कहाँ है? डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसलमानों के किस त्यौहार के दिन ताजिए निकाले जाते हैं? मुसलमानों के किस त्यौहार के दिन ताजिए मुहर्रम के दिन निकाले जाते हैं? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। या 12 वफात जो है वो मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ईद उल जुहा बकरा ईद भी बोलते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में हस्तशिल्प डिज़ाइन व विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये है जयपुर में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के लोक गीत बीरा गीत राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? ये जो गीत है वो जयपुर साइड में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, इसका ढूंढाड़ क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदमुक्त कर सकता है, तो इन्हें राष्ट्रपति पदमुक्त कर सकता है, और राष्ट्रपति इन्हें हटाने का प्रस्ताव संसद में रखेगा, वहाँ विशेष बहुमत द्वारा इसे पारित करके इन्हें हटा हुआ माना जाएगा। तो यहाँ पदमुक्त कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? यहाँ राज्य में पूछा गया है कि राज्य में इसका निर्णय कौन करता है, तो राज्य में विधानमंडल होगी, विधानसभा का जो अध्यक्ष होगा वो इसका निर्धारण करेगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। केंद्र में देखें हम, तो केंद्र में हमें पता ही है कि लोकसभा अध्यक्ष जो स्पीकर होगा वो ये डिसाइड करेगा, तो यहाँ राज्य का पूछा गया, तो राज्य में विधानसभा का अध्यक्ष राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्य में जो मंत्रिपरिषद होगी उसकी संख्या अधिकतम विधानसभा के कुल सदस्यों की 15%। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। यहाँ पर राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%, जैसे कि राजस्थान में 200 विधायक हैं, राजस्थान में विधानसभा ही है, विधान परिषद तो है नहीं, तो विधानसभा के कुल सदस्य कितने हैं? 200, और 200 का 15% कितना होगा? तो 30। तो राजस्थान में 30 मंत्री ही हो सकते हैं अधिकतम, तो यहाँ राजस्थान में 30 मंत्री हो सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में विधानसभा सदस्य कितने हैं? 200, तो 200 का 15% 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल कौन था? राजस्थान में जब प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था तब राज्यपाल थे संपूर्णानंद। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1967 में लगा था, और इस समय जो CM थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया MLS, और जो राज्यपाल थे वे थे संपूर्णानंद। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। अब तक राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, कब कब? तो 1967, 1977, 1980 और 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो राज्यपाल जो होता है वो राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि के रूप में होता है, और इसके दो रोल होते हैं संविधान के अनुसार,
एक तो ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख जो हेड होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, वो होता है राज्यपाल। और दूसरा ये केंद्र का एजेंट होता है। केंद्र का एजेंट ऐसे तो राज्य की जितनी भी सूचनाएं हैं या राज्य में जो संवैधानिक तंत्र है उसकी उससे संबंधित सभी सूचनाएं ये केंद्र को देता है। और यहाँ केंद्र से मतलब है ये राष्ट्रपति का प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ये क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया था आगे, और ये क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, राइट आंसर। यहाँ राज्य का पूछा है, यदि केंद्र का पूछे या भारत का की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख पूछे तो वो राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? ये तीनों अपना त्यागपत्र देते हैं, जो एक सरकारी अधिकारी होता है वो है विकास अधिकारी, मतलब ग्राम विकास अधिकारी वीडियो को, पहले ग्राम सचिव कहते थे, अब इसका नाम चेंज होकर ग्राम विकास अधिकारी कर दिया है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से अनुच्छेद में साझा न्यायालय तथा संयुक्त न्यायालय का प्रावधान है? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर, 231, आर्टिकल 231 में साझा न्यायालय मतलब जॉइंट जुडिशरी होगी, मतलब दो राज्यों को मिलाकर या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक ही न्यायालय बना दिया जाएगा, तो अनुच्छेद 231 में ये कहा गया है। 214 में कहा गया है कि राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वां संविधान संशोधन जो शहरी निकाय से संबंधित है कब लागू हुआ था? यह लागू हुआ था जून 1993 में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर, और ये शहरी निकाय से संबंधित है। इसी तरह 73वां संविधान संशोधन है वो पंचायत राज से संबंधित है, पंचायत राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायत राज की शुरुआत कौन से जिले से मानी जाती है? ये मानी जाती है नागौर से। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। तो कब से हुई थी इसकी शुरुआत? तो ये हुई थी 2 अक्टूबर 1959 नागौर के बगदरी गांव में पंचायती राज की शुरुआत हो गई थी। और यहाँ उद्घाटन किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, रजनीकांत। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2021 का खिताब किस देश को जाता है? तो ये जाता है ऑस्ट्रेलिया को। ऑप्शन नंबर 1 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है? ऑल ओवर इंडिया में जो सबसे एक नीट एंड क्लीन सिटी है वो है इंदौर। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, और ये लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर रहा है। नेक्स्ट, 2021 में किस वैज्ञानिक को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रसायन के क्षेत्र में एक नहीं, दो व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, वो है बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायमूर्ति अंशुमन सिंह का निधन हो गया, वे किस राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं? दो राज्यों के राज्यपाल रहे थे वे, गुजरात और राजस्थान के। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। कि गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।